भाई साहब के खिलाफ शिकायत की गई, हिंदू संगठन के खिलाफ शिकायतें की गई। मुहर्रम के दौरान ताजिए में फिलिस्तीन का झंडा फहराने वाले के विरुद्ध में हिंदू संगठन खड़ा हुआ था, जिसके लिए सभी मोगट थाने पहुंचे समाजजनों के साथ। मुस्लिम समाज की महिला हमारी बहन अफसाना आई थी और उन्होंने प्रेम, अमन, चैन, सौहार्द की बातें की और नसीहत दी हिंदू समाज को और भाई साहब जी को कि हम सभी प्रेम से रहें, अमन चैन से रहें, इस प्रकार की बातें हमारे बीच में ना आए। तो ये अमन चैन की बातें तब कहाँ जाती हैं जब आतंकवाद की बात आती है। आतंकवाद के खिलाफ कभी आप खुल के नहीं आते, ना आप कभी ज्ञापन देने के लिए आते हैं, तब कहाँ जाता ये ज्ञापन का अमन चैन। ये सब दोगलापन है और ये दोहरा चरित्र है इनका। हमारी बहन ने यह भी कहा था हिंदू मुस्लिम सब अच्छे हैं और हिंदुओं के द्वारा मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, तो मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये उनको टारगेट किया जा रहा है जो आतंकवादी जैसी गतिविधियां कर रहे हैं। मुहर्रम के ताजिए निकालते समय फिलिस्तीन के झंडे की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस समय उनका समाजजन क्यों नहीं पहुंचा उनको रोकने के लिए, समझाने के लिए? इस जगह आप तिरंगा फहरा सकते थे, लेकिन नहीं। ऐसी ये हरकतें जो हैं प्रदेश में कई स्थानों पर हुई हैं, ये कई शहरों में हुई हैं, ये एक मानसिकता सोची समझी साजिश समझ में आती है। उस दिन संसद भवन में जब ओवैसी द्वारा नारा लगाया गया था जय फिलिस्तीन, ये वहीं से सारे इनके युवा प्रेरित हुए हैं। अगर उस दिन ही उसका रोक दिया जाता, विरोध किया जाता, तो ये स्थितियां निर्मित नहीं होती। अमन चैन की बात करने वाले आतंकवाद पर चुप क्यों हो जाते हैं जब कोई आतंकवाद पे नहीं आता? कल बहन जी द्वारा अपने बाइट में भाई साहब का नाम भी लिया गया, अपने से उम्र में जो बड़े व्यक्ति हैं उनका नाम नहीं लिया जाता है। खैर, यही दोगलापन भी है उनका और इन लोगों से यही उम्मीद भी करते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है, जिसको जैसे परिवार से जैसे संस्कार मिलते हैं, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी स्थितियां बनती और वैसी ही बात होती है। शहर काजी के विरुद्ध ज्ञापन देंगे, शिकायत करेंगे, जो सर तन से जुदा की पहले स्थितियां बनी थी, उसके बाद आज जो फिलिस्तीन के नारे लगाए गए उसमें वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। उसके विरुद्ध में भी हम जाकर के शिकायत दर्ज कराएंगे।